जो ये ब्लॉग देख रहा है उन सभी को मेरा नमस्कार और उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। तो आज मैं करने वाला हूँ अपने गांव का, घर का, मोहल्ले का ब्लॉग। मतलब कि ये एक रॉ वीडियो है, इसमें मुझे जो मिलेगा वो मैं आपको दिखाता रहूँगा, तो आप बने रहिए और बिल्कुल देसी स्टाइल में होगा। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। तो ये भैया हमारा घर है और यहाँ देखिए धूप तो है भैया, खोपड़ी चीर देने वाली, हमारे भाषा में कहें तो घाम ऐसा है कि जो खोपड़ी का चीर दे। और तो यहाँ बाहर हम निकल आए हैं और यहाँ पे हमारे गांव के बाबा बैठे हैं, तो बाबा से कुछ बात करेंगे। ये है महाराबा। तो बाबा क्या हाल चाल है? हाल चाल ठीक है भैया। अच्छा, तो हम अपनी माइक निकाल के आपके सामने रख दी। हाँ, तो आप बताओ, तो पहले जमाने में आप पिक्चर देखते रहो कि नहीं देखते रहो? हाँ, पिक्चर भैया खूब देखते रहे हम लोग, पढ़ी वहाँ विश्वा में पढ़ी रहा तब, जो नील कमर टाकी रही तो वहाँ हम लोग जब इंटरवल या हाफ टाइम हुआ तब जो रहा देखा जाइत रही। अच्छा, तो वहाँ पुरानी पिक्चर तब भैया चलते रही, सावन भादव रहा। अच्छा, हाँ सावन भादव हीरो कौन है? अब हीरो नहीं भैया, तब अत्ता हम लोगों के यहाँ वाकिफ नहीं रहा। अच्छा अच्छा, अब नई जवान में शोले जो चली रही, ईमा शोले भैया बहुत धर्मेंद्र और वो अमिताभ बच्चन रही, ईमा जो रहा गब्बर का बहुत अच्छा रोल रहे। चुनाव भी आवे वाला है विधानसभा? हाँ, चुनाव आवे वाला है भैया। कोई मिल रहा कि नहीं मिल रहा? नहीं अभी तो नहीं मिल रहा, लेकिन टाइम आने पर हम मिली तो है भैया। तो भैया गर्म बहुत है, देखो पसीना बहुत आ गया हमको भी। और इधर हमारी गाय है और ये गाय का चारा है और इसकी पार्टी हो रही है, तो अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो गाय की पार्टी होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं चारों तरफ का नज़ारा जो घर के बाहर का है, और फिर आगे मोहल्ले में आपको लेकर चलेंगे। तो आपको रियर कैमरा से दिखाते हैं यहाँ का व्यू। तो हमारे घर के बाहर देखिए कितनी हरियाली है, और बरसात हुई है तो इस वजह से नमी बहुत है और हरियाली भी है, अभी बरसात का मौसम चल ही रहा है। और सामने देखिए हमारे गांव के बुज़ुर्ग बैठे हैं। तो अब आगे हम बढ़ रहे हैं और आपको हम मिलाएंगे हमारे जो मोहल्ले के, हमारे गांव के जो सबसे बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 80 से 85 के बीच है, और उनसे मिलके आपको बहुत खुशी होगी। तो वो देखिए सामने बैठे हुए हैं और अब आप उसको मिलाते हैं उनसे। बाबू क्या हालचाल? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ। तो आप यहाँ बहुत लोग देख रहे हैं इस समय। हाँ। और कुछ इनके बारे, इनका बताओ कुछ अपने बारे में है। कोई विषय के बात कोई तुम हमसे पूछो तो हम बताए। बड़े आनंद के चीज रामायण ग्रंथ शास्त्र आपस मेल बेवा। आपका माइक दे दी, इनका पकड़ लो आप। लो माइक लो, इनका वैसे पकड़े रहो ये ना। हाँ बस, हाँ पकड़े हम, बताओ हमका तुम। तो आपकी उम्र अभी कितनी है लगभग? उम्र हमारे 80-81 साल के रही हुई भैया। अच्छा, तो लेकिन अभी आप बिल्कुल साइकिल चलाओ तो? बिल्कुल भाई, हम साइकिल चलाते भाई, हमारे मन टन टन हो रहा। वही चीज़, मतलब आप जो है अभी थोड़ा और काहे हो रहा है। हाँ। यो भगवान शंकर जी की कृपा है कि चरित्र ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, चरित्र ठीक हमार या हमारे भाई बंद या हमारे देश के या हमारे विश्व के आराम तबही मिल सकत जब चरित्र ठीक हो। यह महान चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, मानवता का सही उपदेश है। नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना, सीधे डायरेक्ट पैसा बनना टूट के यहाँ मानवता पर आ जाओ, जैसे हमारे मोदी जी और योगी जी। अच्छा, चुनाव भी आवे वाला मुख्यमंत्री का? जीवन में यहाँ आनंद ले रहे हैं और जनता हम अपन बात कहते हैं, जीवन में यहाँ पूरे पब्लिक क्या आनंदमय जीवन चल रहा, रस बरस रहा, अमृत बरस रहा है, जनता महान प्रसन्न है। और आपकी भी जोर वैसे है मुख्यमंत्री? हाँ जरूर, हमका तो 100% दिखाते है मुख्यमंत्री बन जाएंगे एक बार फिर, कि मुख्यमंत्री हैं और रही हैं। अब कुदरत के बात हम विशेष तौर से ना जान, लेकिन उनके कर्म अच्छे अच्छे सुकर्म हैं, सुंदर हैं, महान है कि वो हमारी आत्मा से ने विधवत आवाज निकल रही कि मुख्यमंत्री बने। तो जनता खुश है सरकार से? महान, एक तो खुश है,
संग संग महान खुश है वाट के बात हम नहीं जानते क्योंकि अति अच्छे काम कर रहे हैं। हमका पंचन कहाँ रुपया रखे रहे कहाँ पेंशन रखी रहे और हम हो रुपया मिले ला तो कुल मिला सब ठीक है। और कुल मिला के आखिरी में एक बात और है गोस्वामी बाबा कहीं है संसार का जत्ता चरित्रवान आदमी कहते है कि जहाँ सुमरता संपन्न आना और जहाँ धन्यवाद। यहाँ का जो माहौल है देखिए कितना अच्छा है और यहाँ पे मंदिर है और बाबा जो हमारे हैं ये मंदिर की देखरेख बहुत बढ़िया से करते हैं। वो काफ़ी पुराना मंदिर है, लगभग 100 साल के ऊपर का मंदिर है, 150 साल का मंदिर है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सब पूरा हरा भरा माहौल है, आम बरगद पीपल और फूल के वृक्ष लगे हुए हैं, कंडाइल वगैरह और क्या बात फल फलहारी भी लगे हैं। तो यहाँ पे सब बैठने आते, देखिए अभी बाबा से जिनसे बात कराई वही बैठे हैं अभी बाबा। तो बाबा कुछ गब्बर वाली बात रह गई थी वो बताओ, क्या कह रहे थे वो सोले पिक्चर में गब्बर? हाँ वो थोड़ा वो ठाकुर के संग, क्या ठाकुर के संग किया? उनके हाथ पर पैर हाथ काट लिए थे। अच्छा हाँ बहुत क्रूर रहा ठाकुर के, हाँ वो गब्बर बहुत क्रूर रही ना। हाँ तो बढ़िया पिक्चर लगी रही, हाँ पिक्चर वो बहुत अच्छी लगी रही। तो यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आपको रास्ते में दिखेंगे कच्चे मकान। तो यहाँ से देखिए कच्चा रास्ता है और तो बरसात की वजह से देखिए यहाँ पे सब मकान गिर चुके हैं और कीचड़ भरा हुआ आगे है, आगे दीवार भी गिरी हुई है। लेकिन हम भी हैं खतरनाक आदमी, निकलेंगे इधर से ही, तो लेकिन संभल के निकलना पड़ेगा भाई। तो सफलतापूर्वक हम यहाँ से निकल चुके हैं। तो अब हम आपको लेकर चल रहे हैं आश्रम पे, बहुत ही शांत जगह है हमारे गांव की। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूं। तो यहां पे देखिए बरसात हुई इस वजह से कीचड़ भरा हुआ है, वो कच्चा रास्ता है ये, और यहां पे देखिए आप ये पानी भर जाता है हमारे गांव में, जो गांव का पानी है सब आता है बरसात का। तो यहां से फिर से पक्का रास्ता शुरू हो गया है और बिल्कुल सामने आश्रम पहुँच गए हैं हम। तो आपको आश्रम का नज़ारा दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर गाय बंधी हुई हैं, कितना अच्छा माहौल है यहाँ का, पीपल का पेड़ लगा है। तो गांव के लोग जब गर्मी होती ज़्यादा तो यहाँ पे आके बैठते हैं, इसी चबूतरे पे 20-25 लोग आके बैठ जाते हैं। और देखिए यहाँ पे भैंस बंधी हुई है और सामने है हनुमान जी का मंदिर, आपको हनुमान जी के दर्शन करा देते हैं। तो चलिए हनुमान जी का दर्शन कराते हैं आपको। तो यहाँ पे भी कोई है नहीं इसलिए दरवाज़ा बंद है, मैं खोल के भी दर्शन कराता हूँ आपको। आशीर्वाद लीजिए हनुमान जी का। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।